नमस्कार, आओ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत। मैं हूं कैलाश शर्मा और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम लोगों के हालचाल कैसे पूछें और उन्हें अपने हालचाल कैसे बताएं। दरअसल अंग्रेजी में 9 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यानी 9 क्वेश्चन वर्ड्स या 9 WH क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, हूज और हुम। इनमें से जो हाउ है उसका अर्थ होता है कैसे। बस इसी हाउ की सहायता से हम किसी से भी, किसी के भी हालचाल पूछ सकते हैं। अगर हमें किसी से उसके खुद के हाल पूछना हो तो हम कहेंगे हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। मजेदार बात यह है कि जहाँ हिंदी में हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रश्न पूछने होते हैं, अंग्रेजी में सभी से एक ही प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में हम अपने से छोटे व्यक्ति से पूछेंगे तू कैसा है, बराबरी वाले व्यक्ति से पूछेंगे तुम कैसे हो, और यदि कोई हमसे बड़ा है तो उससे हम पूछेंगे आप कैसे हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ऐसी कोई झंझट नहीं है। हम छोटों को, बराबरी वालों को और बड़ों को, सभी को एक ही प्रश्न पूछेंगे, हाउ आर यू। कितनी आसान है अंग्रेजी। इस प्रश्न में आप जरूरी समझें तो कुछ चीजें जोड़ भी सकते हैं, कुछ एडिटिव्स होते हैं, कुछ जोड़ी जा सकने वाली चीजें होती है जिन्हें जोड़कर आप अपने हाउ आर यू को थोड़ा नया अर्थ, थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। जैसे हाउ आर यू मिस्टर सिंह, इसमें आपने मिस्टर सिंह जोड़ दिया, यानी उनका नाम जोड़ दिया। आप कैसे हैं मिस्टर सिंह, हाउ आर यू मिसेस सिंह, आप कैसी हैं मिसेस सिंह। हाउ आर यू टुडे, इसमें आपने जोड़ा टुडे और मतलब निकला आज आप कैसे हैं या आज आप कैसी हैं। हाउ आर यू नाउ, इसमें हमने जोड़ा नाउ, हाउ आर यू नाउ, और इसका मतलब हुआ अभी इस समय तुम कैसे हो, कैसी हो तुम अब। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, आज सुबह तुम कैसे हो, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, आज सुबह, दिस मॉर्निंग यानी आज की सुबह, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, आज सुबह तुम कैसे हो। यह तो एकदम साफ है कि स्पोकन इंग्लिश एकदम आसान है, कोई प्रकार की झंझट नहीं। हिंदी में जैसे हमें कैसा, कैसी, कैसे, तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि स्त्रीलिंग हो तो कैसी बोलना है, पुल्लिंग हो तो कैसा या कैसे बोलना है, और अगर बहुवचन हो तो हमें कैसे ही बोलना है। अंग्रेजी में सबके लिए एक ही शब्द आता है और वो है हाउ। ठीक इसी प्रकार यदि बात यू की चल रही है, यानी सामने वाले की चल रही है, तो हम है बोलना चाहें, चाहे हैं बोलना चाहें या हो बोलना चाहें, तीनों के लिए एक ही शब्द आएगा आर, ए आर ई आर। यानी यू के साथ हमेशा इज, एम और आर में से केवल आर ही लगता है। कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, सीधे पूछो हाउ आर यू। अब हम साथ साथ लगे हाथ ये भी सीख लें कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। यानी कोई हमसे पूछ ले हाउ आर यू तो हमें उनको क्या कहकर आंसर देना है, और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो आइए सीखते हैं किस तरह से हाउ आर यू का जवाब दिया जाता है। आमतौर पर लोग इस फॉर्मल क्वेश्चन का फॉर्मल आंसर ही देते हैं, हालचाल अच्छे ही बताते हैं और कहते हैं जी मैं अच्छा हूं। स्पोकन इंग्लिश में इसी बात को कुछ ऐसे कहेंगे, आई एम गुड, थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू, या फिर हम कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। गुड कहें या फाइन, मतलब तो एक ही है और वो है अच्छा, अच्छी, अच्छे। देखा आपने स्पोकन इंग्लिश कितनी आसान है, कोई याद रखने की झंझट नहीं कि किसे अच्छा कहना है, किसे अच्छी कहना है, किसे अच्छे कहना है। सबके लिए एक ही शब्द है, गुड या फिर फाइन। दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल करें, उनका अर्थ एक ही निकलेगा, अच्छा, अच्छी या अच्छे। अब आप सोच रहे होंगे कि आई एम फाइन बोलने के बाद
थैंक यू क्यों बोला और क्या यह हमेशा जरूरी है? उत्तर है हाँ, यह लगभग लगभग हमेशा जरूरी है, केवल बहुत करीबी लोगों को छोड़ दें तो। बहुत करीबी दोस्त या घर के लोग जो दोस्त जैसे हों, उन्हें थैंक यू नहीं बोला तो भी चलेगा, पर बाकी सब जगह थैंक यू बोलना ही चाहिए, और इसलिए बोलना चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश में ऐसी परंपरा है, रिवाज है, ट्रेडिशन है। आओ सीखो संस्थान के इंग्लिश एक्सपर्ट्स ने खूब स्टडी करके देखा और पाया कि अंग्रेजी में पोलाइटनेस यानी विनम्रता दर्शाने के लिए, सामने वाले को सम्मान देने के लिए प्लीज और थैंक यू जरा ज्यादा ही बोले जाते हैं, जैसे हिंदी में आपने कहा जी मैं अच्छा हूं, पर अंग्रेजी में तो जी होता नहीं। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस कमी की पूर्ति के लिए ही हम इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा, एक डायलॉग के द्वारा हम समझें कि व्यावहारिक जिंदगी में इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। आपने किसी से कहा हाउ आर यू मिस्टर सिंह, उन्होंने उत्तर में कहा आई एम फाइन थैंक यू हाउ आर यू। नेचुरली जब आपने उनसे हालचाल पूछे तो उन्होंने अपने हालचाल बताने के साथ ही आपसे भी आपके हालचाल पूछे, यह बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो आपने कहा हाउ आर यू मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह ने कहा आई एम फाइन थैंक यू हाउ आर यू, आपने कहा आई एम गुड थैंक यू। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, आपने मिसेस सिंह से भी उनके हालचाल पूछे और आपने कहा हाउ आर यू मिसेस सिंह, मिसेस सिंह ने कहा आई एम गुड थैंक यू हाउ आर यू, आपने कहा आई एम गुड थैंक यू। अगले वीडियो में लोगों के हालचाल पूछने के बारे में कुछ और बारीकियां सीखेंगे, पर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।